दोस्तों आप लोग देख रहे हैं राइजिंग भोजपुरी, और राइजिंग भोजपुरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे थे तो अचानक से खेसारी लाल यादव का एक वीडियो आया जो कि स्टेज शो का है। आप लोग पहले इसको देखिए। मुंह में धरा ना पड़ेगा, धरा मुंह में मैयो के हमू तरह के कुछ मुंह में धरा तो धाली हा। आप लोग देखिए वीडियो में कि स्टेज पर खेसारी लाल यादव किस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का भाषा इतने बड़े सुपरस्टार के मुंह से शोभा देता है। आप लोग बोलेंगे कि मजाक में खेसारी लाल यादव बोले हैं, तो मजाक होता है, हाँ इंटरटेनमेंट के लिए मजाक किया जाता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। और मुझे नहीं लगता कि जो खेसारी लाल यादव स्टेज पर ये बोले हैं ये मजाक कैटेगरी में आता है। इतने बड़े सुपरस्टार के मुंह से इस तरीके का भाषा शोभा नहीं देता है। वहां पर बूढ़े बुजुर्ग आपका स्टेज शो देखने आते हैं, बच्चे देखने आते हैं, औरतें देखने आती हैं। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना स्टेज पे ये कहीं तक उचित नहीं है। और आप लोग में से बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट में लिखेंगे, वीडियो डिसलाइक करेंगे, तो कोई बात नहीं है, गलत है सो गलत है। इस तरीके का भाषा स्टेज पे शोभा नहीं देता है इतने बड़े सुपरस्टार के मुंह से। और यही कारण है कि इसी छोटे छोटे गलतियों की वजह से खेसारी लाल यादव ट्रोल होते हैं। आप लोगों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, और बताइए आप लोग इस तरीके का भाषा स्टेज पे यूज कीजिएगा तो क्या सीखेगी पब्लिक। बाकी कितने लोग मेरी बातों को सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे मुझे ये पता नहीं है, कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। इस तरीके का भाषा सोशल मीडिया पर प्रयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। आप सब अच्छे काम करें और एक ऐसा गलत काम मत दीजिए कि आपका जो सब अच्छा काम है वो दब जाए। तो इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। बाकी कितने लोग इस चीज को सीरियस लेंगे, कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, डिसलाइक करेंगे, बहुत लोग मुझे पता है, बहुत सारा कमेंट में भी लिखेंगे, तो कोई बात नहीं है, जो गलत है सो गलत है। मुझे लगा कि इस पे कुछ बोलना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।